तो गाइज गुड इवनिंग, आपको इस वीडियो में पूरे ट्रेड का लॉजिक बताने वाला हूँ। क्या हमने ट्रेड लिया, 128,000 का प्रॉफिट बुक किया है, ये किस कितना इसमें मतलब कितना इन्वेस्टमेंट लगा है, क्या चीज़ें लगा है, सारी चीज़ें बताऊंगा। फिन निफ्टी में हम लोगों ने ट्रेड किया है मेनली, आप देख सकते हो फिन निफ्टी में ही ट्रेड है ओवरऑल। मतलब एक बैंक निफ्टी का कॉल है, तो वो बैंक निफ्टी का कॉल भी आपको मैं ट्रेड समझा दूंगा कि क्यों लिया, कैसे लिया, क्या लिया, सारी चीज़ समझा दूंगा। ये तो यहीं पे लिया था मैंने कहीं पे, ये पे यही वाला स्पाइक में मैंने लिया था, ठीक है, स्कैल्प था छोटा सा। तो अब मैं बता देता हूं आपको कि आपको मैंने ट्रेड कैसे किया, पुट में आखिर मैंने ट्रेड क्यों किया, जब मार्केट जो है अपसेट था तो मुझे पुट में बढ़िया प्रॉफिट कैसे हुआ दोनों पुट में। तो ये सारी चीज़ मैं समझाने वाला हूँ, सारे ट्रेड का लॉजिक बताने वाला हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बन रहा हूँ। देखो बैंक निफ्टी का पहला ट्रेड डिस्कस कर लेते हैं। पहला ट्रेड सिंपली मैं बताता हूँ आप लोगों को कहाँ बना, मेरा पहला ट्रेड यहाँ बना, यहाँ करीब जब ये कैंडल बनी, जब एक देखो जब रेड कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बनी, फिर ग्रीन कैंडल को इंगल्फ कर लिया, बायर्स इतने स्ट्रांग थे कि फिर बायर्स ने एक बार सारी कैंडल्स को इंगल्फ कर लिया और इसके 50% के ऊपर क्लोजिंग दे दी। मैंने चुपचाप यहाँ पे एक छोटा ऐसे लगाया यहाँ तक का, और एक मैंने स्कैल्प लिया तुरंत, क्विक स्कैल्प डे हाई तक का मुझे स्कैल्प मिल गया, मैंने वहाँ पे एग्जिट कर दिया तुरंत, ठीक है। अब चलो फिन निफ्टी का ट्रेड डिस्कस कर लेते हैं। फिन निफ्टी में जो मैंने पहले पोजीशन बनाई वो पुट साइड की बनाई, कॉल साइड की बनाई। तो मैंने ये दोनों कॉल पुट क्यों बनाया, ये मैं लॉजिक बताता हूँ, ये सारी चीज़ें इसमें मैं बता देता हूँ आपको। जस्ट सेम एट इज़ एज इट इज़ मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे भी स्कैल्प एक ट्राई किया। स्कैल्प कहाँ ट्राई किया मैंने, गई स्कैल्प मैंने जो ट्राई किया मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, क्लियरली आपको चीज़ें दिखा देता हूँ। मैंने स्कैल्प यहाँ कहीं ट्राई किया था, यहाँ कहीं, क्योंकि देखो मार्केट जब है बहुत अच्छा ब्रेकआउट देके फिर मार्केट एक आया, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था बैंक निफ्टी में कि मार्केट बार बार यहाँ पे जो है बायर्स को स्ट्रांग दिखा रहा है, तो मार्केट फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे रीटेस्ट करके मार्केट ब्रेक करता है, मैं अपसाइड के लिए बैठा मैंने और एक अच्छा टारगेट बुक किया। तो गाइस दो ट्रेड का तो मैंने लॉजिक बता दिया आपको, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको कि पुट साइड जो मैंने ट्रेड लिया वहाँ पे मतलब क्या मेरा लॉजिक था, क्या चीज़ें थी, सारी चीज़ें मैं बताता हूँ आपको पुट साइड वाले में, क्योंकि भाई जो मेनली प्रॉफिट जो हुआ है वो पुट साइड में हुआ है। और वो ये जो आपको देख रहा हूँ ना यहाँ पे 91,000, ये तकरीबन 150,000 का प्रॉफिट था, लेकिन क्या हुआ, स्लीपेज में कट गया, ठीक है, स्लीपेज में कट गया चीज़ें, और मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। तो गाइस देखो यहाँ पे दो ट्रेड का तो मैंने लॉजिक आपको सिंपली बता दिया है, अब तीसरा जो ट्रेड है वो पुट साइड का ट्रेड मैंने क्यों लिया वो लॉजिक बताऊंगा, और वो तगड़ा लॉजिक होगा जो कि आपको इन फ्यूचर भी बहुत काम करने वाला है, ठीक है। तो लॉजिक में पढ़ते आगे आपको दिखाता हूँ कि पुट में जो मैंने प्रॉफिट किया है वो कितना है। पुट का जो प्रॉफिट है वो देख सकते हैं 91,000 रुपये, ये बताया 1.5 लाख का प्रॉफिट था, लेकिन क्या हुआ, स्लीपेज कट गया, मतलब स्लीपेज कट गया, साथ ही साथ मैंने फिर इसमें री एंट्री भी कर ली थी, जिसके चलते थोड़ा 10-15 हज़ार का और लॉस हो गया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के चलते 91,000 बुक हुआ। तो मतलब मेनली जो था आज बहुत अच्छा पुट साइड में ट्रेड लिया, और क्यों लिया, क्या चीज़ें हुई, सारी चीज़ें बताता हूँ। देखो मैंने जो है मैं आपको एक सिंपली चीज़ बता दूँ कि मैंने ये वाली चीज़ कैप्चर नहीं की, पहले बता देता हूँ, मैंने जितना प्रॉफिट किया वो इसी में किया है, ठीक है। ये वाली चीज़ें मैंने कैप्चर नहीं की है, अगर ये वाली कैप्चर करता तो मेनली 2 लाख पहुंच जाता, ठीक है, प्रॉफिट। तो देखो चीज़ें समझना, आज मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में लोग समझ रहे थे कि मार्केट बुलिश मूवमेंट देगा, क्योंकि मार्केट जो है बुलिश है, मार्केट ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है, लोग ट्रैप हुए, ट्रैप होने के बाद इनसाइड कैंडल बनाए, इनसाइड कैंडल के बाद आपको पता है मेरी स्ट्रेटजी क्या होती है, इनसाइड कैंडल के ब्रेक या डाउन पे ट्रेड लेता हूं। बट मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, मैंने यहाँ पे कंफर्मेशन लिया, किसी से कंफर्मेशन लिया, कंफर्मेशन ये लिया कि मार्केट में लोग जो हो गए हैं वो ट्रैप हो गए हैं, मार्केट में क्या हो गया, लोग ट्रैप, अब ट्रैप हो गए हैं, तो मार्केट जब लोगों को ट्रैप करता है तभी मार्केट नीचे गिरता है। मैंने चुपचाप एक ट्रेंड लाइन बनाई, और मेरे लिए जो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो था 19,000 का, क्यों सपोर्ट है ये मैं बोल रहा हूँ कि इतना स्ट्रॉन्ग था मेरे लिए, आप यहाँ से चुपचाप डे लो से डे हाई कनेक्ट करो, आपको दिख जाएगा कितना पिक्चर परफेक्ट फिबोनाची का 0.5 का लेवल है और राउंड लेवल है भाई, बस मैं तभी समझ गया कि मार्केट में यहाँ पे कुछ खलबली होगी और बहुत अच्छा मूवमेंट मिलेगा। मैंने चुपचाप जो है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इंटर करना चालू किया पुट में, और यहाँ तक का टारगेट यहाँ बुक किया मैंने, पूरी क्वांटिटी यहाँ पे मैंने बुक कर दी बिकॉज डे लो था। तो बस मैंने इस तरीके से ये ट्रेड कैप्चर किया, इन सारी चीज़ें थी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, और आपका भी अच्छा ट्रेड बना होगा होप।